इस क्वेश्चंस में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इस पॉलिनोमियल का ये जीरोस दिया हुआ है, ए माइनस बी ए, ए प्लस बी, और ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो एक स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। चूंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज ऑफ होंगे, तीन जीरोज होंगे, थ्री जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हो गया माइनस डी बाई ए हो गया। अब इस स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम किससे कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन से। तो यहाँ पर ए बराबर कितना हो गया वन, बी बराबर माइनस थ्री, सी बराबर वन, और डी बराबर कितना हो गया वन। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहाँ पर हमारा अल्फा बीटा गामा क्या हो गया, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, और ये हो गया आपका गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इन तीनों को जोड़ेंगे तो ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी और क्या माइनस बी बाई, माइनस बी कितना है माइनस ऑफ माइनस थ्री डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू थ्री हो गया। तो ए इक्वल टू कितना हो गया, बी से बी कट गया तो थ्री ए बराबर थ्री हो गया। तो ए बराबर कितना आ गया वन आ गया। उसी तरह सेकेंड वाला लेंगे तो क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा ए निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना हो गया सी बाई ए। सी कितना है यहाँ पर वन डिवाइडेड बाई वन बराबर कितना, वन डिवाइडेड बाई वन बराबर वन। अब ए का वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या हो गया, वन माइनस बी इंटू वन वो इतना ही हो गया प्लस वन इंटू वन प्लस बी तो कितना हो गया वन प्लस बी, ये भी हो गया प्लस ये कितना हो गया वन प्लस बी इंटू वन माइनस बी बराबर वन। ए से ये कट गया तो कितना हो गया टू प्लस वन प्लस बी इंटू वन माइनस बी कितना हो गया वन माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया वन बराबर कितना हो गया टू प्लस वन, और ये इधर आएगा माइनस वन इक्वल टू ये उधर जाएगा बी स्क्वायर हो गया। ये लेफ्ट हैंड साइड गया तो साइन चेंज हो गया, राइट हैंड साइड गया तो साइड चेंज हो गया बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका वन से वन कट गया टू इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी बराबर कितना हो गया आपका, बी बराबर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट टू। तो इस तरह से ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू आया वन और बी का वैल्यू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट टू। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।